वेलकम टू बनीस मामा एंड मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसा कि उनकी खांसी और जुकाम के लिए उनके लिए होम रेमेडीज मीन्स कोल्ड एंड कफ होम रेमेडीज फॉर बेबीज और किड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम जैसे जैसे आपका चेंज होने लगता है बच्चों के अंदर जो आपके छोटे बच्चे हैं बेबीज हैं किड्स हैं उनमें ये बहुत ही नॉर्मल बहुत ही कॉमन जो रीज़न है एवरी किड्स और बेबीज तो वो बहुत नॉर्मल है जो आप देख सकते हो उन्हें हर एक 10वें बच्चे के अंदर आप देख सकते हो उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं इसके लिए मैं आपको लेके आई हूँ यहाँ पर कुछ ऐसी होम रेमेडीज जो आप अपनी किचन में ही आपके अवेलेबल हैं आप उसे उसके लिए ये उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोल्ड एंड कफ की कि मतलब ये कौन से सीजन में किस तरीके से आपके बच्चों पे अटैक कर लेता है। तो देखिए अगर विंटर का टाइम है तो ऑब्वियसली हमें क्या है बच्चे को जो बेबी को है पूरी तरीके से केयरफुली हमें उसका ध्यान रखने की जरूरत है। कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके लिए हर एक जो सीजन आने वाला है वो न्यू है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें उस पर ज्यादा हमें उसे अटेंटिव रहना पड़ेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको ज्यादा सर्दी ना लग जाए कोल्ड ना हो जाए कफ ना हो जाए जो उसके शरीर के अंदर उसकी चेस्ट में ना बैठ जाए जो आगे चल के कहते हैं अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वो निमोनिया की एक जो प्रॉब्लम होता है बब्ली क्रिएट कर देता है। तो अगर इन सब चीजों से बचने के लिए हम यहाँ पर कुछ चीजें का सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताने आई हूँ कि आप अपने घर में उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। छोटी मोटी खांसी जुकाम जो इस तरीके के बच्चे हैं तो हम उसका पूरी तरीके से हम उसका यूजफुल हम उसके रेमेडी का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कोल्ड एंड कफ की सो व्हेन इट कम्स टू कोल्ड एंड कफ सो देर इज अ टू काइंड्स वेट एंड ड्राई। जो बेट होता है वो आपका क्या होता है वो एक तरीके का आपका जो होता है थ्रोट एंड नेजल एरिया में होता है आपका और जो दूसरा जिसे बोलते हैं ड्राई वो आपको क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन आपको मिलता है यानी कि अगर एक पर्सन किसी पर्सन को है और आप उसको ये इन्फेक्शन है और आप उसके टच में हो तो आप क्या होता है कि वो उससे आपको मिल जाएगा। तो ये क्या होता है कि आपको मार्केट एरिया से या फिर आपको किसी ऐसे जो है पहले से ही जो जिसको प्रॉब्लम है इन्फेक्टेड है तो आपको उससे आपको मिल सकता है पर्सन टू पर्सन। तो ये होता है देयर इज अ टू काइंड्स ऑफ कोल्ड एंड कफ। तो हम बात करेंगे कि इस तरीके के तो इसमें ये होता है कि समर में हमें अधिकतर मोस्टली केसेस में करता है हमें ड्राई होता है और जो विंटर के टाइम में होता है जो हमें होता है वो बेटर होता है जो हमें एकदम नेजल एरिया और जो हमारे थ्रोट होता है इसके थ्रू हमें मिलता है। छोटे बच्चों में अगर आप उसको अच्छे से कपड़े पहना के उसको कवर करके आप नहीं रखोगे पूरी तरीके से तो आप उसको भी ये वो चीज़ हो सकती है और न्यू बॉर्न बेबी में ये निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ सो प्लीज बी केयरफुल। तो इसके लिए हम होम रेमेडीज की बात करते हैं तो हेयर देयर आर सो मेनी होम रेमेडीज फॉर बेबीज। तो आप इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे फर्स्ट में आपके लिए है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और घर में भी आपके अवेलेबल होता है जो उसको बोलता है टर्मरिक मिल्क। छोटा बच्चा जो आपका होता है 0 to 6 month हम उसके लिए एक चीज कर सकते हैं जैसे कि वो इम्पोर्टेंट है कि सबसे 0 to 6 month के लिए जो सबसे बेस्ट रहता है कि आप ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क कैसा होता है कि देर इज नो रेमेडी और क्योर दैट इज ग्रेटर द ओनली नेचुरल फूड फॉर एवरी किड्स और बेबीज। देखिए ऐसा होता है न्यू बॉर्न जो बेबी है आपका तो उसके लिए इससे बेहतर और नेचुरल क्यों आपको नहीं मिलेगा कि आप उसे ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं जस्ट बिकॉज इट वर्क्स एज रेमेडी फॉर एनी इन्फेक्टेड इन बेबीज। क्योंकि वो क्या होता है कि जो आपके जो मिल्क होता है उसमें एंटीबायोटिक्स ऐसे तरीके के होते हैं कि वो आप उस एज में जो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है उसको क्या होता है वो हर एक चीज से वो जो जैसे खांसी जुकाम या उसे किसी भी चीजों की जो प्रॉब्लम है वो उन सबसे दूर रहता है। तो ब्रेस्ट फीड इज बेस्ट कि आप उसे करा रहे हैं तो उसको कुछ नहीं हो सकता। 0 to 6 month आप उसको इजी है आपके लिए कि आप उसे कराइए और जो करा सकते हैं और जो नहीं करा सकते हैं जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं उनको प्रॉब्लम है मदर्स को तो आप उसके लिए दूसरी चीज है आपको टर्मरिक मिल्क। आप बेबीज को क्या करिए
सबसे अच्छी चीज है, आपने ब्रेस्ट फीड कराते समय अपनी ब्रेस्ट पे थोड़ा सा टर्मरिक लगा लीजिए, बिल्कुल एक चुटकी उसे लगा लीजिए और अपने बेबी को फीड कराइए आराम से। तो उसको क्या होता है, उसके थ्रॉट को, उसको बिल्कुल आराम मिलेगा, उसको रिलीफ मिलेगा, वो आराम से कंफर्टेबली सो जाएगा। और उसको बहुत आप एक बार यूज करेंगे तो आप उसको देखेंगे कि उसको बहुत फायदा हुआ है। तो आप उस बेबी के लिए 0 to 6 month के लिए आप उसे आराम से करा सकते हैं। तीसरी चीज क्या आती है, टर्मरिक मिल्क। बेबी अगर आपका 6 month से अबव है तो आप क्या कीजिए कि ड्यू टू इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, टर्मरिक इज नोन टू थ्रेट वायरल इंफेक्शन सच एज कोल्ड एंड कफ। सो आप यहाँ पर क्या कीजिए, इसके लिए आप ये कर सकते हैं, यू कैन ऐड मिल्क, थोड़ा सा आप यहाँ पर लीजिए मिल्क, उसमें क्या कीजिए आप उसमें थोड़ा सा यहाँ पर टर्मरिक यहाँ पर ऐड कर दीजिए, बट 1 tablespoon से भी हाफ ले लीजिए, उसमें आप वार्म मिल्क के अंदर ऐड कर दीजिए। इसके बाद क्या कीजिए, आप उसे रात को सोने से पहले आप उसको दे दीजिए। आप यकीन कीजिए, इसे पीने के बाद बच्चा जब सुबह उठता है तो उसको एकदम रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा कि उसका जो नाक की जो ब्लॉक्स हैं उसके पूरी तरीके से खुल जाते हैं, गले में उसको आराम मिलता है। ये आप सुबह देखो, और बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चा रात में आराम से उसको सो जाता है। तो ये आप 6 month से अब बच्चों के लिए आप कर सकते हो, 6 to 12 month तक के बच्चों के लिए मैंने आप बताया कि टर्मरिक मिल्क को हम यूज कर सकते हैं। तो आप बस आपको हम मिल्क की जरूरत है, वार्म मिल्क एंड टर्मरिक, दो चीजों। फिर थर्ड आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका स्टीम। स्टीम आपके क्या होता है, दिस इज अ वेरी नेचुरल वे टू हेल्प फॉर बेबीज। आप इसके लिए क्या करेंगे कि आपका जो 9th month अबव जो बेबीज हैं उन पे आप ये कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या कीजिए, आपने बाथरूम में अपना जो शार है, आप शार है उसको खोल दीजिए, उसको पूरे उसके टैप को, इसके बाद कीजिए जब एकदम स्टीम पूरे बाथरूम में उसको पूरी तरीके से भर जाता है आराम से, तो आपने बेबी को आप वहां जाके उसको स्टैंड बाय खड़ा कर दीजिए वहां पर कुछ देर के लिए। फिर आप देखेंगे कि उसके बाद उसकी जो नाक के जो नोज के जो ब्लॉक हैं वो पूरी तरीके से उसके खुल जाएंगे और उसे बहुत आराम मिलेगा अंदर से। तो ये हो गया, 9th month जो बच्चे हो जाते हैं उन पे आप ये कर सकते हैं गोल्डन कफ के लिए। उसके बाद आ जाता है आपका होम मेड नेजल ड्रॉप, जिसको बोलते हैं सेलिन ड्रॉप। ये क्या होता है, दिस इज अ वेरी गुड फॉर बेबीज हु हैव ब्लॉक नोज, जिनका नाक पूरी तरीके से ब्लॉक है, बहुत बच्चे एकदम रोए जा रहे हैं, लगातार रो जा रो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है उनको। तो उस केस में आप ये जो सेलिन ड्रॉप के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप कर सकते हो। ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, 1 tablespoon सॉल्ट आप ले लीजिए इसमें, और इसमें आप एक वार्म वाटर ले लीजिए फिल्टर्ड, याद रखिए फिल्टर वाटर होना चाहिए, आप किसी भी वाटर वार्म वाटर में आप उसको नहीं डालना है, आपको वार्म वाटर में फिल्टर ले लीजिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा उसको हिलाने के बाद उसको हिलाइए, और उसमें कुछ जो ड्रॉप्स हैं उसकी उसकी नोज में आप उसको डाल दीजिए, उसको बहुत आराम मिलेगा। एकदम गर्म नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा सा हल्का जो कहते हैं गुनगुना होता है, आप उसे एक उसकी ड्रॉप उसकी नाक में डाल दीजिए। जो ये सॉल्ट होता है हमारा, ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी एक एंटीसेप्टिक है। तो आप अगर ये जब कीजिए, या अगर आपका बच्चा 9th month से ऊपर का है तभी आप इसे कीजिए, इससे पहले मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको बता चुकी 0 to 6 month के लिए सबसे अच्छा ब्रेस्ट मिल्क है, या फिर आप उसे वो टर्मरिक का वो लगा देंगे तो आपके लिए उसके लिए बेस्ट है, इसके अलावा आप मत कीजिए। और ये वाला जो है सेरिन ड्रॉप का, आप प्लीज डॉक्टर से एडवाइस लेके ही कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए, बिना डॉक्टर एडवाइस के बिना ये सेलिन ड्रॉप आप यूज मत कीजिए, ये मैं आपको साफ क्लियर बता रही हूं। इसके बाद आता है आपका वार्म मस्टर्ड ऑयल। तो ये क्या होता है, सबसे अच्छी चीज है कि आप जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो बहुत अच्छी चीज है कि सबसे इजी है, और इसमें क्या कीजिए, आप कुछ नहीं करना है आपको, 2 cloves of garlic आप इसमें डाल के इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए गैस पर, और उसके बाद को थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, और इसको एक शीशे में कर लीजिए, और ठंडा होने के बाद रात को नाइट में बेबी के सोने के बाद आप उसके चेस्ट पे लगा दीजिए, उसके नेक पे लगा दीजिए, उसकी पीठ पर लगा दीजिए, उसके जो पैर है उसके तलवा जो सबसे नीचे का है उस हिस्से में लगा के उसे रब कर दीजिए, उसे अच्छे से उसको, उसके बाद उसे आराम से उसको उड़ा के उसको ब्लैंकेट से उसको सोने दीजिए। लेकिन मानिए बहुत अच्छा ये एक रेमेडी है,
मैंने बहुत बार मैंने अपने अपने जो बेबी मेरा बनी के ऊपर बहुत बार किया है, क्योंकि उसको मोस्टली टाइम मैंने देखा कि जब से वो हुआ था उसको थोड़ा कोल्ड एंड कफ का ज्यादा प्रॉब्लम था. मैंने उसको हमेशा केयर से रखा, बट कहते हैं ना कि बच्चों के लिए जो चीजें होती है, नया सीजन होता है, न्यू सीजन, तो उसको कभी भी ये सब चीजें पकड़ लेती हैं कब क्या है. तो हम बार बार उसको मतलब मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते, पिल्स नहीं दे सकते, सिरप नहीं दे सकते, क्योंकि छोटा सा बच्चा कितनी चीजें ये सब चीजें मतलब नहीं खा सकता, उसके लिए अच्छी नहीं है. तो उसके लिए बेस्ट है कि आप होम रेमेडी कीजिए, थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि बार बार आने वाली चीजें हैं सीजन के अकॉर्डिंग, तो हम इसे अपने आप से हैंडल कर सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं. तो मैंने ये मस्टर्ड ऑयल वाला जो है और एक दूसरा टर्मरिक मिलकर मैंने ये बहुत किया, और मेरे बेबी पे जो बनी पे बहुत अच्छा इसका असर हुआ है. और मैंने इसको, मैं अभी भी आज के टाइम में इसको यूज करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल. उसके लिए मैं हमेशा सीजन में रेडी करके रखती हूँ. और आप भी इसको करके रखिए उसके चेस्ट पे और उसके बैक और उसके जो पाम्स पे लगा के, उस पर असर करेगा. उसके बाद आ जाता है बच्चा, अगर आपका बड़ा हो गया है, यानी कि बात करते हैं 12 मंथ्स के ऊपर के जो बच्चे हैं, किड्स हैं, उनके लिए हम क्या सब कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा वो अच्छे से वो फूड खाने लगता है, पीने लगता है, आप उसको कुछ अच्छे से जो खा रहा पी रहा है, तो आप उसके लिए बेस्ट है आपको खिचड़ी दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें हम छोटे बेबीज पे कर सकते हैं. बड़ा बड़ा जब बच्चा थोड़ा हल्का समझदार होने लगता है धीरे धीरे, तो वो क्या है, वो चीजें नहीं करता है ना, करने देता है. तो उसके लिए अच्छा है कि उसको थोड़ा आराम मिले इन चीज से. तो आप खिचड़ी और एक सूप जो चिकन सूप है, आप उसको बना के दे सकते हैं. वो उसको खाने के बाद उसको काफी रिलीफ मिलेगा, और दिस इज अ वेरी एक्सीलेंट जो बहुत मुझे अच्छा लगा कि जो दिस इज रियली रियली वेरी एक्सीलेंट सप्लीमेंट फॉर बेबीज एंड चिल्ड्रन. तो और ये बहुत अच्छा, और वो काफी इंजॉय करते हैं वो खिचड़ी से एंड चिकन सूप. उसको एकदम गर्मा गर्म दीजिए और आराम से वो अपना खा के, सो काफी अच्छे सा उसको लगेगा उसको उसमें. फिर दूसरा आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है लॉट्स ऑफ वाटर. प्लीज कीप योर बेबी हाइड्रेटेड विद द लॉट ऑफ वार्म वाटर. वैसे तो क्या होता है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, उनकी बॉडी ऑलरेडी उनको काफी उनकी हाइड्रेट रहती है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से लिक्विड मिल रहा है. बट बच्चा जब बड़ा हो गया है तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी कैसे उसकी हाइड्रेट रहे, तो उसके लिए क्या चाहिए, विद द लॉट ऑफ वाटर, वार्म वाटर. याद रखिए, इससे बड़ा कोई सॉल्यूशन नहीं है. उसकी बॉडी जितनी ही हाइड्रेट रहेगी, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, उसको कैच कर पाएगी इस तरीके की जो वे कफ एंड कोल्ड एंड ऑल जो भी है, नहीं कर पाएगी. क्योंकि जब कहते हैं कि लॉट्स ऑफ वाटर, जहां पर पानी ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम है उसका बहुत स्ट्रांग होगा. और उसके बाद क्या होगा, फिर ऑब्वियसली उसको ये सब चीजें उसको कैच नहीं करेंगी. तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, जहां मैंने आपको 0 to 6 month एंड 6 to 9 month एंड 9 to 12, 12 to ever जो बच्चों के लिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी रेमेडीज बताई हैं. तो प्लीज आप इन पे ध्यान दीजिए, और प्लीज वी ऑलवेज केयरफुल कि बेबी को हमेशा सीजन में, विंटर के टाइम में या बदलते मौसम में उसका ध्यान रखिए, उसे कपड़े पहना के रखिए. बदलते मौसम में बच्चे को सबसे ज्यादा जो चीज पकड़ती है वो यही है, कोल्ड एंड कफ जैसी चीजें हैं. तो प्लीज उसका पूरी तरीके से ध्यान रखिए, उसको अच्छे से कवर करके रखिए, स्पेशली फॉर न्यू बॉर्न. तो आज का हमारा वीडियो था, और मैं अब ये वीडियो अपना फिनिश करती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे. ओके, बाय.